तो भाई रिसेंटली आप लोगों ने मेरा वाइट टॉर्चर उनका वीडियो देखा होगा। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, वाइट रूम टॉर्चर दुनिया की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक है। और भाई उस रूम में 24 घंटे रहने में मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जब मैं वो रूम बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। आइडिया ये था कि जब मैं वाइट रूम बना ही रहा हूँ तो वाइट रूम में एक प्रोजेक्टर लगा के डरावनी मूवी, भूतिया मूवी चला के देखा जाए, क्योंकि उसके चारों दीवार तो वाइट हैं। तो वाइट रूम में प्रोजेक्टर चलाने का अलग ही मजा आता। तो इसीलिए मैंने खरीद लिया अमेजॉन से एक प्रोजेक्टर, वो भी बजट वाला। तो हे दोस्तों, आप लोग V4 वीडियो, और आज के इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ एक प्रोजेक्टर, वो भी अपने वाइट रूम में। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे वीडियो प्ले कर सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी क्या होने वाली है, क्योंकि ये भाई बजट प्रोजेक्टर है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। और तो भाई ये रहा हमारा एगाओ का प्रोजेक्टर। मैं पहली बार प्रोजेक्टर यूज़ करने वाला हूँ और पहली बार अपने चैनल पे आपको प्रोजेक्टर दिखाने वाला हूँ। तो इसके साथ आई है एक पावर केबल, एक रिमोट, एक ऑडियो वीडियो केबल, वारंटी कार्ड, मैनुअल और इंस्ट्रक्शन बुकलेट और इसका कैप। प्रोजेक्टर को अभी रखते हैं साइड में, पहले देखते हैं कि भाई इसके बॉक्स में क्या क्या फीचर्स हैं और कितने का आता है। तो ये रहा इसका बॉक्स, 11 मॉडल नंबर AG60S। इसका मैक्स रेजोल्यूशन है 1080p और नेटिव रेजोल्यूशन है 720p। और यहाँ पे इसके बाकी के फीचर्स लिखे हुए हैं। ये 60 वॉट कंज्यूम करता है, MRP है 20,000, लेकिन भाई आपको इसे कई ज़्यादा कम कीमत में अमेजोन में मिल जाएगा। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, भाई प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे कोई भी इसमें कमी नहीं लग रही कि एकदम चीप क्वालिटी का हो। और यहाँ पे कई सारे पोर्ट हैं, जैसे कि इधर एक हेडफोन जैक है, एक ऑडियो वीडियो पोर्ट है, एक HDMI का है और एक VGA का है। और SD कार्ड तो भाई डायरेक्ट लग जाएगा, जो कि हमारे कैमरे में लगता है। और पीछे की तरफ भी एक HDMI 2 है और यहाँ पे एक USB भी लग जाएगा। ये इसका पावर पोर्ट है और यहाँ पे हमें एक स्पीकर भी मिल जाता है। और अंदर की हीट निकालने के लिए यहाँ पे हीट सिंक भी दी गई है। तो भाई इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ बटन्स भी दिए गए हैं, हम लोग यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग इसे टेस्ट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग इसमें लगाएंगे पेन ड्राइव, हम लोग इसमें लगाएंगे लैपटॉप, हम लोग इसे चलाएंगे वाईफाई के थ्रू, हम लोग इसमें लगाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट SD कार्ड। और देखेंगे भाई कैसा ये प्रोजेक्टर है, कैसे कैसे काम करता है, क्वालिटी कैसी आने वाली है। चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम लोग इसे वाईफाई के साथ और देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो देखो प्लग लगा हुआ है और ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। और एक बार देखो मैंने इसे इस तरीके से जुगाड़ से रखा हुआ है, ऑन होते कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और यहाँ पे दो नॉब है गोल गोल घुमाने वाले, तो नीचे वाली नॉब से हम लोग स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और आगे वाली नॉब का यूज हम लोग फोकस सही करने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं वाईफाई के साथ। मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है और इसका फोकस है सीधा मेरी टेबल पे। आप लोग यहाँ पर देख लो वाईफाई का निशान बन के आ रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से हम लोग इसमें क्या क्या चला सकते हैं। तो इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको यूट्यूब, ऐप स्टोर, एपटॉय TV, जिसके अंदर आपको कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि TV में सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है, यानी कि इसके अंदर आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट और APK फाइल स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 8GB का स्टोरेज है, जिसमें अभी 3GB फ्री है सिस्टम ने लिया होगा। यहाँ पे हमारे सारे ऐप्स होते हैं, इसमें हॉटस्टार भी चल जाता है, प्राइम वीडियोस भी चल जाता है। और सेटिंग में कई सारे सेटिंग्स हैं, आप लोग खुद देख लो यहाँ पे ऊपर आने पर भी। अगर यहाँ पे एक सेटिंग है कस्टम जूम की, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी मस्त सेटिंग है। तो जब हम लोग इसे ऑन करेंगे और यहाँ से हम लोग अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ से बंद करेंगे ऊपर आने पर ये अपने ओरिजिनल साइज में वापस से आ जाएगा जहाँ पे इसका फोकस सेट हुआ होगा। अब मैं आपको इसमें YouTube प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने YouTube खोल लिया है और अपनी वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा चलेगा। साउंड इसी का होगा भाई, ऐड आ गया। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को फुल HD में लगा लेता हूँ, जो कि लग जाएगी यहीं से।
अब भाई बहुत सही आ रहा है। भाई इसमें मैंने टैपिंग के लिए कीबोर्ड कनेक्ट करके रखा था, काफी ज्यादा इजी हो रहा था टैपिंग करना, और देखो इतनी रोशनी है फिर भी काफी सही दिख रहा है। तो अभी तक हमने यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट को वाईफाई से चला कर देखा और करीब 43 इंच की डिस्प्ले आई, लेकिन भाई ये 150 इंच की भी डिस्प्ले बना सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने वाइट रूम में। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए अपने वाइट रूम में और लगा दिया प्रोजेक्टर। 3, 2, 1, ओ भाई देख स्क्रीन का साइज देखो, मेरी लंबाई से भी बड़ा हो गया है। ओहो, तो अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेंट वायर लगी हुई है और हम लोग डायरेक्ट इससे चेक करने वाले हैं ये कार वाला वीडियो, और देखते हैं। ओहो, यहाँ पे सीधा पेंडल से चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। भाई यहाँ पे हमारा रूम छोटा पड़ा जा रहा है, यहाँ से मैंने नापना शुरू किया और यहाँ तक का सिर्फ और सिर्फ 116 इंच ही हुआ, जबकि इस प्रोजेक्टर की लिमिट है पूरे के पूरे 150 इंच। अबे लाइट जलाऊं। तो अभी मैंने प्रिंटर निकाल दिया है, अब हमारा प्रोजेक्टर कनेक्टेड है लैपटॉप से। स्क्रीन दिखाओ, ये देखो। तो यहाँ पे लैपटॉप में मैं प्ले करने वाला हूँ और ये देखो आ गया। इस टाइम पे रात हुई पड़ी है और भाई हम लोग प्रोजेक्टर पे डरावनी मूवी लगाए पड़े। ओ यहाँ पे रूम छोटा पड़ गया लेकिन प्रोजेक्टर की लिमिट कम ना पड़ी। ये भाई इतना ही नहीं, अगर मैं वाइट कपड़े पहन लूँ तो प्रोजेक्टर के सामने फिर क्या होगा। चलो 3, 2, 1। तो मैं दीवार में ही छिपा हुआ था वाइट कपड़े से, पता नहीं कैसा सीन आया होगा, आपने जरूर से देखा होगा। तो इस तरीके से आज के सूर्य में हमने अपने इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से टेस्ट किया और कई अलग अलग चीजें भी ट्राई करी। बजट रेंज का प्रोजेक्ट था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मैं इसकी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसे खरीद भी सकते हैं। भाई अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबा देना। तो भाई इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट है। We'll be right back.